नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं पहली खबर की बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईओडब्ल्यू अरेरा हिल्स स्थित ईओडब्ल्यू कार्यालय में रात तकरीबन साढ़े दस बजे के आसपास आग लग गई और आग ई के थाना प्रभारी कक्ष में लगी थी आग से कंप्यूटर ए सी से जुड़े तमाम दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं और पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत ही आग की सूचना दी गई दमकल की जो टीम पहुंची उसने आग पर काबू पाया माना जा रहा है कि बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट के कारण था थाना प्रभारी कक्ष में ये आग लगी है ईओडब्ल्यू मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर थाना प्रभारी कक्ष है और तकरीबन साढ़े दस बजे की यह घटना बताई जा रही है जब ज, जो जवान वहां पर तैनात थे सुरक्षा में उन्होंने जब अंदर से धुआं निकलता देखा तब पता चला कि कक्ष में आग लगी है तुरंत ही दमकल की टीम को बुलाया गया और इसके बाद बाहर से आने वाले लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और अपने स्तर पर अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं मध्य प्रदेश में ट्रेनों में अब चलता फिरता थाना मिलेगा जी हाँ अब यात्रियों को अगर कोई असुविधा होती है या उनका सामान चोरी हो जाता है तो ट्रेन में आपको पुलिस प्रशासन आ, का सहयोग मिलेगा और आप इसकी शिकायत ट्रेन में ही कर सकते हैं आ, इसके लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ मोबाइल में जी आर पी एम पी हेल्प एप्लीकेशन डाउनलोड करना है या फिर डायल हंड्रेड को इसकी शिकायत करनी है इसके अलावा आप टी टी को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं कि आपके साथ कोई घटना घटी है या आपका सामान चोरी हुआ है या अन्य कोई सुविधा अगर आपको हो रही है ऐसा करते ही जी आर पी के जवान आपके पास पहुँचेंगे और आपकी एफ आई आर दर्ज करके उसकी एक कॉपी आपको दे देंगे और तुरंत ही कार्यवाही शुरू कर देंगे इसकी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इंदौर के चालीस जवानों को जी आर पी ट्रेनिंग दिला दिलाई जा रही है और इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इंदौर प्रयागराज एक्सप्रेस में भी देखने को मिला है जहां पर रेलवे अधिकारियों सहित सभी हेड कांस्टेबल ने रेल में यात्रा कर रहे यात्रियों से उनकी समस्या जानी यहां पर कुछ लोगों ने एफ भी दर्ज करवाई है तो अगर ट्रेनों में ये सुविधाएं शुरू हो रही हैं तो इससे यात्रियों को काफी लाभ पहुंचेगा क्योंकि अक्सर ट्रेनों में जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ा असहज हो जाती हैं और चोरी का जो डर बना रहता है उनके अंदर तो ट्रेन में इस तरह की व्यवस्था शुरू होना और शिकायत करने पर तुरंत कार्रवाई किया जाना इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी दोपहर तक की दो, दो बड़ी खबरें तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स बहुत बहुत धन्यवाद